और कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ने के बाद कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में एक और राज्य में आज से लोगों को पाबंदियों में छूट दी गई। गुजरात सरकार लोगों की जिंदगी पटरी पर लाने के लिए अनलॉक में जुट गई है। रूपानी सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच खुली रहेंगी। राज्य के सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे। लाइब्रेरी 50% क्षमता के साथ खुलेंगी। बाग बगीचे सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच खुले रहेंगे। जिम भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। होटल और रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच इन डाइनिंग सर्विस शुरू करने की मंजूरी दी गई है। रात 12 बजे तक होम डिलीवरी की छूट है। नाइट कर्फ्यू अभी भी रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। बस सेवाएं और एसटी बसें जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी शुरू हो गई हैं, जिन्हें 60% क्षमता के साथ अनुमति दी गई है। सीएम रूपानी ने कहा है कि ये नियम 26 जून तक लागू रहेंगे। राज्य सरकार ने 7 जून से कोविड पाबंदियों में छूट देनी शुरू कर दी है। गुजरात में अब तक 8 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि पूरे राज्य में 13,000 से अधिक ही एक्टिव केस हैं। 7,94,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।